नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज इस हाथ का विश्लेषण कर आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आपके सामने व्यक्त करूंगा। और यहां पर जो है सर्वप्रथम फिंगर की लेंथ के विषय में चर्चा करते हैं। तो फिंगर की लेंथ जो है आप देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में लॉन्ग है। जब इस प्रकार से लॉन्ग फिंगर देखने को मिलती है तो ये सीधे सीधे इंडिकेट करता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही एनालिटिकल पर्सनैलिटी वाला है। यानी ऐसे जो लोग हैं अपने लाइफ के एक एक स्टेप या फिर हर चीज़ जो है प्री प्लान्ड करके अपने लाइफ में चलते हैं। हर चीज़ प्लानिंग के साथ करना, प्रॉपर प्रोसेस अपने लाइफ में करना। ऐसा नहीं है कि इमीजिएटली एक्शन ले रहे हैं या फिर इमीजिएटली कुछ माइंड में आया और उसके हिसाब से जो है डिसीजन या फिर उन डिसीजन के अंदर बार बार चेंजेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, जो भी करेंगे काम सोच विचार कर या फिर शुरुआत की एक बात, बहुत ज़्यादा ही एनालिटिकल पर्सनैलिटी ऐसे लोगों में देखने को मिलती है। अब जहाँ पर आप देख पाएंगे कि फिंगर का झुकाव जो है थोड़ा सा सैटर्न की ओर हो रहा है, जिसके कारण ऐसे लोग धार्मिकता की ओर दिन प्रतिदिन जो है थोड़ा ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, यानी थोड़े धार्मिक जो हैं ज़्यादा होते जाएंगे। लिटिल फिंगर की लेंथ के विषय में यहाँ पर चर्चा करूँ तो देख पाएंगे कि लिटिल फिंगर की लेंथ जो है तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से ऊपर तक गई है, जिसके कारण ऐसे लोगों में कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी मात्रा में देखने को मिलता है। यानी सीधे और स्पष्ट रूप से लोगों के सामने अपनी बात रखते हैं। ज़्यादा हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर ही बात को दबाना, इस प्रकार का कोई भी डिमेरिट या फिर प्रॉब्लम नहीं रहता। वहीं रूल्स रेगुलेशंस को अच्छे से फॉलो करना, डिसिप्लिन को लेकर के चलना, ये सब जो है मेरिट्स देखने को मिलते हैं। थर्ड फिंगर की लेंथ यहाँ पर ज़्यादा है फर्स्ट फिंगर के कंपेरिजन से, जिसके कारण सन की क्वालिटीज़ इनके अंदर ज़्यादा रहेगी। सन की क्वालिटीज से यही बेनिफिट मिलता है कि व्यक्ति को फेम पॉपुलैरिटी मिलने के चांसेस बहुत यहाँ पर ब्राइट जो है बनते हुए देखने को मिलते हैं। यानी जो भी आपके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटी, क्रिएटिविटी है, उसको लोगों के सामने लाइए, बाहरी दुनिया में लाइए, तो ये मिलने का योग बहुत प्रबल बनेगा। दूसरा बात ये रहेगा कि आपके जिससे भी संबंध रहेंगे, चाहे वो दोस्ती यारी या रिलेशन रहे, बहुत ऊँचे हाई लेवल अथॉरिटी के साथ रहेंगे। यही रीज़न है कि आपके काम जो है लाइफ में इजीली जो है संपन्न हो जाने वाले या फिर दूसरों के सहयोग से थोड़ा ज़्यादा होंगे। एक और बात यह है कि जब थर्ड फिंगर किसी को लॉन्ग होती है तो ऐसे व्यक्ति रिस्क टेकर बहुत होते हैं। अपने लाइफ में आप जो है रिस्क बहुत लेंगे और वही रिस्क के बदौलत लाइफ में सक्सेस रेट आपका बहुत अच्छा रहने वाला रहेगा। हल्का सा गैप मेंटेन हो रहा है जो थोड़ा सा जो शो करता है कि खर्चों पर नियंत्रण नहीं रह पाएगा। अदरवाइज फिंगर पे मुझे कोई ऐसा खराबी नहीं देखने को मिला। सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर यानी मिलनसार स्वभाव को ही यहाँ पर व्यक्त करती है। और यही रीज़न है कि हर माहौल में भी आप जो है आसानी से ढल जाने वाले रहेंगे, कोई दिक्कत इतनी नहीं होगी। अंगूठे के क्षेत्र की चर्चा करें तो अंगूठा जो है आपका मजबूत है, यानी सशक्त व्यक्तित्व रहेगा आपका, जो कि लोगों के सामने निखर कर आ जाने वाला रहेगा। और यहाँ पर पहले पर्व पर जो आड़ी रेखा होती है ये धनवान होने का सूचक होता है कि मनी रिलेटेड ज़्यादा लाइफ में इश्यूज या ट्रबल फेस नहीं करना होगा आपको। अच्छी खासी मात्रा में आपके पास रहने वाला ये चीज़ रहेगा। यव का साइन भी यहाँ पर है, लेकिन ये ओपन है, जिसके कारण धन जीवन में अच्छा आता है लेकिन रुकता नहीं है। अदरवाइज देखा जाए तो बहुत इंटेलिजेंट रहेंगे, चीज़ों को जल्दी समझ लेने वाले, कैच कर लेने वाले रहेंगे। धार्मिकता की भी और जो है आपका दिन प्रतिदिन रुझान जो है इस कारण से बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं पाम के साइज पे, तो एक आउटकोर इस प्रकार से मैं ड्रॉ करूँगा आपके सामने। तो ये जो है रेक्टेंगुलर पाम इंडिकेट यहाँ पर हो रहा है। जब इस प्रकार से रेक्टेंगुलर पाम होता है तो व्यक्ति थोड़ा बोल करके कार्य करना या फिर कार्य के प्रति थोड़ा सा ज़्यादा बोलापन जो है ये देखने को मिलता है। अभी मैं दूसरे फोटो में पाम, तो यहाँ पर जो है अब मैं एक एक पर्वत कर सभी पर्वत एवं रेखाओं के बारे में आप सभी को अवगत कराऊँगा। तो गुरु के क्षेत्र से हम यहाँ पर प्रारंभ करते हैं इनका। तो गुरु में जो है मैं बहुत अच्छा एक यहाँ पर आकृति बनते हुए देख पा रहा हूँ, जिसे हम ट्राई रिडल कहते हैं, जो इस प्रकार से ट्रायंगल का जो है शेप लेता है, कुछ इस प्रकार से जो है पर्वतों के ऊपर आपको बनता हुआ देखने को मिलेगा। जब इस प्रकार से किसी भी पर्वत पर साइन बनते हैं तो ये जान लीजिए कि वो पर्वत या फिर वो ग्रह से रिलेटेड व्यक्ति को जो है बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलने लगते हैं। अब जैसे गुरु पर्वत पर ये बन रहा है, ऑब्वियसली गुरु पर्वत इनका कमज़ोर था, कम स्पेस ले रहा था, उभरा हुआ भी इतना नहीं है, लेकिन ये होने के कारण बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स इसके कारण अब इनको रहेगा। जब गुरु पर्वत इस प्रकार से स्ट्रॉन्ग होता है तो दिन प्रतिदिन जीवन में सुख सुविधाएं जो है बढ़ती जाती है, आरामदायक संतुष्टिवादक जो है जीवन होता चला जाता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही आशावादी हो जाता है। यानी एम्बिशियस जो है आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में रहेंगे, हर चीज़ को पाने का, किसी चीज़ को हासिल करने का एक जो जुनून है ये आप में दिन प्रतिदिन बढ़ेगा।
दूसरी बात ये है कि मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी जाने वाली रहेगी, यानी जो सपोर्ट भी मिलेगा वाइफ की तरफ से बहुत बेहतरीन रहेगा। तो यानी ले देखे गुरु की तरफ से जितने भी इस प्रकार के बेनिफिट्स हैं आपको रहेंगे। गुरु का एक और बेनिफिट्स है कि ये समझाने की काबिलियत व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी देता है, साथ ही साथ नॉलेज जो है ऐसे लोगों के पास बहुत अच्छा होता है। और यही रीज़न है कि आपका माइंड लाइन का भी जो स्टार्टिंग पॉइंट हो रहा है कुछ इस प्रकार से चल करके जा रहा है, जो अच्छे ज्ञान होने का भी सूचक होता है। तो ये इस प्रकार के बेनिफिट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब आते हैं यहाँ पर आपके जो है शनि पर्वत पे। तो शनि पर्वत पर मैं जो रेखा देख पा रहा हूँ यहाँ पर, सर्वप्रथम आपकी जो है नीचे से इस प्रकार से प्रारंभ होते हुए थोड़ी सी बिखरी हुई है रेखा, इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन इस प्रकार से चलते हुए चल रही है। और एक जो है सपोर्टिव लाइन इस प्रकार से साइड में यहाँ पर आपके चल रही है। फिर ये एकदम से रुक गई है तकरीबन 39-40 के एज में, देन स्टार्ट हुई है 44-45 के एज के आसपास में आकर के, और इस प्रकार से फिर ये जो है रेखा यहाँ पर चल रही है। तो देखिए भाग्य रेखा में जब इस प्रकार का जब थोड़ा बहुत भी टूटना जो है देखने को मिलता है, तो ये जो है इनकम सोर्स में कमी या प्रोफेशन में चेंजेस या अनस्टेबिलिटी के होने के योगों को बताता है। यानी किसी प्रोफेशन को छोड़कर का आप अलग किसी प्रोफेशन में जो है जाने वाले रहेंगे, यानी आपका जो कमाई का जरिया रहेगा, आपको जो अर्निंग का जरिया रहेगा, वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाने वाला रहेगा। तो ये जो है तकरीबन 30+ एज के बाद से एक से ज़्यादा सोर्स से अर्निंग रहेगा, क्योंकि दो लक लाइन एक साथ चल रही है, दूसरी भले ही मजबूत नहीं है लेकिन तब भी बेनिफिट्स देगी। फिर 36 के आसपास किसी प्रोफेशन में चेंजेस होगा आपके, और देन उसके बाद जो है 39-40 के आसपास में थोड़ा सा जो है गैप रहने वाला रहेगा प्रोफेशन वाइज या फिर अर्निंग वाइज, देन उसके बाद से वापस से लाइन जो है यहाँ पर स्टार्ट हुई है और उसके बाद से ये जो है अच्छी खासी चल रही है। अदरवाइज यहाँ पर सैटर्न के विषय में चर्चा करूँ तो सैटर्न जो माउंट है आपका कुल मिलाकर के अच्छा स्पेस ले रहा है, और ले देके ये जो है यहाँ पर कुल मिलाकर के नॉर्मल है, ना ज़्यादा दबा हुआ है और ना ही ज़्यादा उभरा हुआ है, जिसके कारण बेनिफिट्स तब भी मिलेंगे। काम थोड़े से देरी से जरूर रहेंगे आपके, लेकिन संपन्न जरूर हो जाएंगे, यानी लाइफ में जो है सेटिस्फेक्शन आपको रहने वाली रहेगी, संतुष्टि जो है आपको लाइफ में रहेगी। अब यहाँ पर एक और लक लाइन जो है आपके हल्का सा माइंड लाइन के ऊपर से, यानी भारी मंगल से ही जो है प्रारंभ होते जा रहा है, और इस प्रकार से ये भी जो है तकरीबन आपके जो है हार्ड लाइन पर आकर के रुक गया है। तो ये भी जो है स्टार्ट हो रहा है तकरीबन 36-37 एज के आसपास से ही, और उसके बाद से 60 के आसपास तक जो है चल रहा है। तो कोई ना कोई अनदर सोर्स रहेगा जो कि अर्निंग में आपको जो है बेसिकली, या फिर जो फाइनेंशियल जो सपोर्ट हम कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो सब होने से आपको बचाएगा। फिर यहाँ पर जो है लूप ऑफ सीरियसनेस भी जो है मुझे देखने को मिला। जब इस प्रकार की आकृति बनती है तो ये लूप ऑफ सीरियसनेस को इंडिकेट करता है, यानी ऐसे लोग जो है थोड़ा सीरियस रहना, थोड़ा चुप रहना, या थोड़ा भीड़ से अलग रहना, भीड़ में जो है ज़्यादा नहीं जाना, अपने आप को थोड़ा सेपरेट या फिर थोड़ा सा अलग रखना, चुपचाप रहना, अपने ही ख्यालों में या फिर अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, इस प्रकार का जो है नेचर ऐसे लोगों का होता है, यानी ज़्यादा बक ये सब करना जो है पसंद नहीं होता। फिर यहाँ जो बीच की ये रेखा है ये नॉलेज लाइन है, जो नॉलेज को इंडिकेट करती है कि लाइफ में अच्छा खासा नॉलेज आप गेन कर पाएंगे, और इस प्रकार का नॉलेज रहेगा कि दूसरे लोग भी वो नॉलेज या फिर आपके साथ जो है राय विमर्श करने आएंगे। सूर्य के क्षेत्र की चर्चा करूँ तो सूर्य पर्वत जो है थोड़ा आपका कमज़ोर है। जब सूर्य पर्वत कमज़ोर होता है तो ये सबसे पहले आत्मविश्वास में कमी करता है, साथ ही साथ नेत्र से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये जो थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं और कंफ्यूजिंग माइंड का भी प्रॉब्लम देता है, यानी चीज़ों को कोई भी डिसीजन लेने में थोड़ा सा हेजिटेशन होना, किसी ना किसी के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ना, करियर वाइज भी जो है चूज़ नहीं प्रॉपरली कर पाना कि क्या करना है क्या नहीं, अर्निंग का कुछ भरोसा ना होना, इस प्रकार के थोड़े से ट्रबल देता है, क्योंकि एक से अत्यधिक यहाँ पर लाइनें भी आपकी जो है चल रही हैं, और यहाँ पर जो है इस प्रकार से एक हल्का सा जो है क्रॉस भी मुझे देखने को मिल रहा है। जब क्रॉस भी होता है तो ये थोड़े से पिता से संबंध में मतभेद, अपनों से ही थोड़ा बहुत धोखा मिलना, या फिर जिस स्टेज पे अभी आपको होना चाहिए या फिर जिस पोजीशन के अभी आप लायक हैं वहाँ तक नहीं रहना या वहाँ तक नहीं पहुँच पाना, या इस प्रकार की किसी भी ट्रबल को खासकर जॉब में जो है ये इंडिकेट यहाँ पर जो है करता है। यानी सो बात की एक बात कि आप जिसके लायक हैं उसके लायक आप अभी मतलब अभी जो है नहीं है, जिस सत्ता पे बैठना चाहिए आपको वहाँ पर आप जो है नहीं पहुँच पाए हैं, तो इस प्रकार के ये जो है ट्रबल को इंडिकेट करता है और वहाँ तक पहुँचने में प्रॉब्लम भी ये जो है क्रिएट करता है। अदरवाइज सूर्य रेखा होना अपने आप में बहुत अच्छी बात होती है, व्यक्ति बहुत अच्छा धन कमाता जो है चला जाता है, फेम पॉपुलैरिटी मिलने का योग अच्छा रहता है। लाइफ में स्ट्रगल जरूर रहेगा आपके, लेकिन उस स्ट्रगल के बदौलत ही लाइफ में सक्सेस भी आपको खूब मिलेगा।
अब यहाँ जो अंदर की ओर जो रेखा झुक गई है, जिसके कारण आपको पैतृक संपत्ति या फिर अचानक से मिलने वाली संपत्ति का योग बहुत बेहतरीन है। मरकरी माउंट की यहाँ पर चर्चा करें तो मरकरी माउंट आपका जो है एक से अत्यधिक रेखा लिए हुए, जिसके कारण आकर्षित व्यक्तित्व रहेगा, यानी अपने बातों से प्रभावित कर देना, अपने लोगों को बांधे रखना, इंटेलिजेंट या फिर जो चतुर चालाक किस्म का जो एक बुद्धिपन होता है उस प्रकार का होना, यानी बिजनेस माइंडेड पर्सन भी इसे हम इंडिकेट करते हैं, जो कि बेनिफिट्स जो है आप आसानी से निकलवा लेने वाले रहेंगे। हृदय रेखा की भी एंड में जब इस प्रकार की गोंपूछ टाइप की आकृति बनती है तो व्यक्ति फ्लर्टी, रोमांटिक और गुड सेंस ऑफ ह्यूमर वाला देखने को मिलता है। फिर आते हैं आपके यहाँ पर हृदय रेखा के ऊपर, तो हृदय रेखा जो है शनि के क्षेत्र से ही मेन यहाँ पर स्टार्ट होते हुए आपका जो है चल रहा है, और यहाँ पर आप देख पाएंगे बहुत बारीकी से कि हल्की हल्की सी जो है यहाँ पर आपको जो है लाइन भी देखने को मिल रही होगी। ये बेसिकली एक प्रकार की भ्रमी रेखा होती है, जब भी ये बेसिकली ये लाइफ लाइन पे देखने को मिलती है, लेकिन कभी ये हृदय रेखा में भी आ जाए तो एक प्रकार का भ्रम बना रहता है हेल्थ रिलेटेड ट्रबल और इश्यूज़ में। वहीं थोड़ा सा जो है यानी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो है हमेशा थोड़ी सी ट्रबल फेस करनी होगी। यहाँ पर एक जो लाइन है वो आपकी नीचे की ओर थोड़ी सी झुकाव लिए हुए है, जो थोड़े एग्रेशन को इंडिकेट करता है। फिलहाल ये इतनी मजबूत नहीं है या फिर मंगल तक नहीं पहुँची है, जिसके कारण बहुत घातक इसके जो है परिणाम हो। कुल मिलाकर के ये भी जो है नॉर्मल है अपने आप में। और वहीं एक सपोर्टिव आपकी लाइन जो है यहाँ पर आपके सीधे गुरु तक चल गई है, जिसके कारण थोड़ी इमोशनल क्वालिटीज़ आपके अंदर रहेगी, भावुकता थोड़ी ज़्यादा रहेगी, जैसे लोगों के बातों में जल्दी आ जाना, लोगों के बहकावे में आ जाना, या थोड़ा सा जो है दयालुपन को ज़्यादा यहाँ पर जो है बता देना, तो ये थोड़े से यहाँ पर इस प्रकार के नेचर को इंडिकेट आपके करता है। माइंड लाइन पर आते हैं अब आपके, तो माइंड लाइन जो है आपकी बहुत यहाँ पर कुल मिलाकर के स्ट्रांग है, क्योंकि ये जो इस प्रकार से बायफोर का जब यहाँ पर हो जाता है तो ये शार्प माइंड और स्ट्रांग माइंड लाइन की निशानी होती है। बेसिकली आपके हाथ में माइंड लाइन लॉन्ग है, तो लॉन्ग माइंड लाइन यही इंडिकेट करता है कि किसी भी परिस्थिति को समझने की व्यक्ति के अंदर काबिलियत कितनी है, या उस सिचुएशन से डील करने की कितनी जो है उसमें काबिलियत है, या फिर कितना वो झेल सकता है। तो जब ये इस प्रकार से लॉन्ग हो यानी बाहरी मंगल तक भी आ जाए तो ये यही इंडिकेट करता है कि बहुत स्ट्रांग माइंड लाइन है, यानी बहुत स्ट्रांग माइंड रहेगा आपका, कि हर परिस्थिति से आप जो है लड़ जाएंगे, झेल जाएंगे, बहुत अच्छा नॉलेज लाइफ में गेन करेंगे, लॉन्ग स्टडीज़ रहेगा, स्टडीज़ में प्रोग्रेस के चांसेस बहुत ब्राइट है। और जहाँ तक बाय फोर हुआ है तो अपने मेंटेलिटी और अपने खुद के बलबूते पर आप जो है अपने लाइफ में प्रोग्रेस पा लेने वाले रहेंगे। अब आते हैं सीधे आपके यहाँ पर जो है आपके लाइफ लाइन के ऊपर, तो लाइफ लाइन में से एक बहुत यहाँ पर सही चीज़ देखने को मिली कि जब भी लाइफ लाइन से इस प्रकार से एक प्रोग्रेस लाइन निकल के गुरु तक चल जाए तो ये बहुत शुभ इंडिकेशन होता है, क्योंकि गुरु अपने आप में बहुत व्यक्ति को जुनून को इंडिकेट करता है। तो ये यही इंडिकेट कर रहा है कि किसी भी चीज़ को पाने का जुनून, किसी भी चीज़ को हासिल करने का एक जो डिटर्मिनेशन है वो आपके अंदर बहुत रहेगा, और यही रीज़न है कि दिन प्रतिदिन आप लाइफ को सुधारने के लिए जो है प्रयासरत रहेंगे कि किस प्रकार से मैं इसे सुधार सकता हूँ, किस प्रकार से मुझे प्रोग्रेस मिल सकता है। और यही रीज़न है कि एम्बिशियस भी आप बहुत रहेंगे, जिसके कारण लाइफ में जो है आपके सुधार होता चला जाएगा, इसीलिए इसे प्रोग्रेस लाइन यहाँ कहते हैं। अब आपकी लाइफ लाइन में यही बात है कि लाइफ लाइन भी यहाँ पर जो है थोड़ी बिखरी चल रही है, तकरीबन 21 से लेकर के यहाँ पर जो है आपके 44-45 के एज के आसपास तक, और उसी के बीच में कुछ ट्रबल्स लाइन भी है जिसे मैं इंडिकेट कर देना चाहूँगा। एक तो इस प्रकार से जो आ रही है ये राहु लाइन है मेन यहाँ पर इस प्रकार से, और बाकी ये जितनी है ये सारी की सारी जो है मंगल के क्षेत्र से यहाँ पर आपके आ रही है। जब इस प्रकार के योग बनते हैं, खासकर राहु लाइन थोड़े से ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ही लॉस को इंडिकेट करते हैं, और जहाँ तक मंगल या शुक्र के क्षेत्र से आए तो ये एक प्रकार के टेंशन को ही इंडिकेट करता है, जब खासकर मंगल से आए, जैसे फ्यूचर ओरिएंटेड किसी प्रकार का टेंशन हो सकता है, अनावश्यक चिंता जिसे हम कह सकते हैं, उसको ये इंडिकेट यहाँ पर करता है। तो ये जो आने वाला रहेगा, एक तो तकरीबन निकल चुका है, एक जो आने वाला रहेगा वो 32 के एज के आसपास में रहेगा, देन उसके बाद जो है आपको 34-36, फिर उसके बाद 40 के आसपास में, और एक जो है आपके 38 में भी थोड़ा सा यहाँ पर अफेक्ट कर रहा है। तो इन सब जो है मतलब पीरियड में किसी न किसी ट्रबल, किसी न किसी प्रकार के थोड़ी बहुत दुविधा, या किसी न किसी प्रकार के भ्रम में भी जो है जा सकता है ये पल। भ्रम में यानी किसी न किसी प्रकार के डर का, जैसे लगता है कि कुछ बादल है, कुछ बहुत हेडेक है सर के ऊपर, क्योंकि जब इस प्रकार की हल्की बहुत माइनर सी आकृति भी बन रही है जो द्वीप को इंडिकेट करती है, तो ये एक प्रकार का लॉस को भी इंडिकेट करता है।
डराना मेरा कोई मकसद नहीं है आपको, जो फैक्ट है वही बताना चाहूँगा ताकि आप इन सब चीज़ों से खबरदार रहें। जान लीजिए इसके रेमेडीज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सब सुधरना ही है। तो ये जो इस प्रकार के ऐसे छोटे मोटे द्रव्य भी बनते हैं, जैसे बहुत छोटी आकृति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, तो ये बहुत एक प्रकार के लॉस को भी इंडिकेट करता है, यानी उस परिस्थिति या फिर उस मुसीबत से जो है जूझते रहना, उसको भी ये इंडिकेट करता है। तो ये इन सब के रेमेडीज़ मैं आपको दे दूंगा व्हाट्सएप पे, जिसके कारण बहुत बेनिफिट्स आपको मिलेगा। फिर यहाँ पर आपके बहुत यहाँ पर एक बहुत सही साइन मुझे देखने को मिली, जिसे गार्जियन एंजल लाइन यानी मंगल रेखा भी, यानी प्रोटेक्शन और सपोर्टिंग लाइन भी जो है हम कह सकते हैं। ये जब भी हाथ में होती है और ये स्टार्ट भी तकरीबन हो रही है आपके 30+ एज के बाद से ही, तो ये सीधे सीधे इंडिकेट कर रही है कि 30+ एज होने के बाद आपको दूसरों का सहयोग या फिर लाइफ में किसी ना किसी का सहयोग मिलेगा, जिसके कारण लाइफ में प्रोग्रेस या फिर वो जो आपके एम्बिशियस जो भी आपके एम्बिशन है, जो भी आपकी इच्छा मनोकामना है, वो सब पूरे होने के योग और एक बैक सपोर्ट लाइफ में रहेगा परछाई के जैसा। यानी जब जब आप किसी ट्रबल मुसीबत या किसी ना किसी की आपको ज़रूरत पड़ेगी तो कोई ना कोई आपके सपोर्ट में आ जाएगा और उस मुसीबत से आपको हाथ पकड़ के निकलवा लेगा। तो यह मतलब इसमें जो है आप ऊपर वाले का भी धन्यवाद कह रहेंगे कि क्या जादू दिखा गए। तो ये जो है प्रोटेक्शन लाइन जब भी हाथ में होता है तो बहुत सही ये रेखा भी होती है, ये प्रॉपर्टी के योगों को भी बहुत ब्राइट कर देती है। फिर यहाँ पर जो है मंगल के क्षेत्र की चर्चा करें तो तकरीबन नॉर्मल है आपका, जिसके कारण शारीरिक ऊर्जा गठन ठीक ठाक रहेगा। भारी मंगल भी तकरीबन ठीक है। और शुक्र के क्षेत्र पर आते हैं डायरेक्ट, तो शुक्र पर जो है आड़ी लाइनें बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, जो कि यही इंडिकेट करती है कि थोड़ी अनावश्यक चिंता, अननेसेसरीज वरीज लाइन इसे कहते हैं, जो कि फैमिली रिलेटेड या फिर थोड़ा हेल्थ रिलेटेड या मनी रिलेटेड थोड़े बहुत जो है टेंशंस दे सकते हैं। सीधी खड़ी देखा यहाँ तब भी है, जो कि अपॉर्चुनिटीज़ को ही इंडिकेट करता है। केतु माउंट आपका अच्छा है, दूसरे पिक में मैंने देखा है, और यहीं से एक जो है आपकी चंद्र की हल्की सी लाइन यहाँ पर निकली हुई है, और इस प्रकार की आड़ी रेखा भी एक शाखा नीचे भी जा रही है। तो इस प्रकार के योग जो है विदेश यात्रा को बहुत महत्व देते हैं, फॉरेन से बहुत लाभ मिलेगा आपको, जाने के बहुत मौके भी आएंगे, और यहीं यहाँ से बहुत हल्की सी माइनर सी जो है लाइन इस प्रकार से स्टार्ट होते हुए चल रही है, फिर थोड़ी कमज़ोर हुई, फिर हल्की सी जो है इस प्रकार से आगे बढ़ रही है। अगर फ्यूचर में ये लाइन पूरी मजबूत होकर के एक साथ आगे निकलते हुए अगर बुध तक पहुँच जाए तो जान लीजिएगा कि अब आपको बिजनेस में बहुत सफलता मिलने वाली रहेगी। आंख मूंद करके बिजनेस में हाथ डाल देंगे, किसी भी सफलता खुद ब खुद चल के आ जाएगी, क्योंकि ये इस प्रकार का लक होता है। अब जैसे आपके हाथ में मनी ट्रायंगल बनते बनते रह गया, प्रॉपर जो है मनी ट्रायंगल आपके हाथ में नहीं है, ओपन है, जिसके कारण यही इंडिकेट होता है कि लाइफ में अर्निंग तो खूब रहेगी आपकी, धन तो खूब कमाएंगे, लेकिन वो धन बचा या फिर रोक नहीं पाएंगे, वो किसी न किसी बहाने चल जाएगा, जिसके कारण जो है थोड़ा सा फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है उसको होने में प्रॉब्लम फेस जो है करनी पड़ सकती है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और रह गया हो तो जरूर पूछे, तब तक आप